नमस्कार, एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी आप लोग को एक नया बनता हुआ जो घर है इसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। घर के अंदर भी ले चलूँगा, दिखाऊँगा कि आखिर किस तरीके से इसका काम को किया जा रहा है। आप लोग बहुत कुछ नया सीख सकते हो। साइज़ की बात कर लिया जाए तो इस घर को 40 फीट बाई 33 फीट, मतलब 40 फीट बाई 33 फीट में बनाया जा रहा है। जबकि पीछे वाला हिस्सा देखिएगा तो 3 फीट और भी ज़्यादा यहाँ पे निकला गया है। अगर निकला हुआ है, अगर टोटल साइज़ की बात कर लिया जाए तो 43 फीट बाई 33 फीट में इसे बनाया जा रहा है। इस घर का साइड व्यू का बात कर लिया जाए तो साइड की तरफ आपको 3 यहाँ पे विंडो देखने को मिलता है, जो कि बॉक्सनुमा डिज़ाइन का ही यहाँ पे रखा गया है। आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा और चलते हैं इस घर के करीब और जो फ्रंट एलिवेशन है उसको देखते हुए घर के अंदर चलेंगे और जान जाएंगे कि किस तरीके से अंदर में इस घर को बनाया जा रहा। बहुत अच्छा डिज़ाइन है अंदर में, अभी आप लोग देखिएगा। कॉलम और बीम के साथ अभी आप लोग को मैं बताऊँगा। इस घर का फ्रंट एलिवेशन का बात कर लिया जाए तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से फ्रंट एलिवेशन इसका रखा गया है। और एक बार और मैं बाहर से समझा देता हूँ ताकि आप लोग इजीली समझ सके। ये जो जगह है यहाँ पे देख सकते हो, इस घर के लिए सीढ़ी रूम है। यहाँ पे मेन एंट्रेंस इस घर के लिए रखा गया है, जबकि दाहिने तरफ यहाँ पे इस घर के लिए किचन का जो निर्माण है उसे किया जा रहा है। अंदर चल के तो दिखाऊंगा ही, लेकिन बाहर से दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को और भी ज़्यादा समझने में आसानी हो। तो इस तरीके से इस घर का फ्रंट व्यू को रखा गया है। एक बड़ा साइज़ का यहाँ पे मेन डोर रखा गया है, आप देख सकते हो। डबल पल्ला के साथ यहाँ पे आपको ग्लास के साथ ये काम देखने को मिलने वाला है। लगभग 7 फीट बाई 7 फीट के आसपास का साइज़ का मेन डोर यहाँ पे रखा गया है। चलिए मेन डोर के सहारे घर के अंदर चलते हैं और देख लेते हैं कि आखिर अंदर में किस तरीके से कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया जा रहा है। घुसने के साथ आपको बड़ा साइज़ का एक हॉल नज़र आता है, ये आप देख सकते हो। हालांकि इसके दाहिने तरफ जो कंस्ट्रक्शन किया गया है वहाँ पे आपको डाइनिंग एरिया भी है, उसके बारे में बताऊँगा, दिखाऊँगा और किस तरीक़े से इसका काम को किया जा रहा है वो सारा चीज़ आपको दिखाऊँगा। लेकिन पहले मैं आपको इस घर का जो लेफ़्ट साइड का जो कंस्ट्रक्शन किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाइए। देखिए, यहाँ पे घुसने के साथ लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है इस घर के लिए सीढ़ी। हालांकि कुछ इस तरीके से काम किया गया है नीचे में, इससे बचा जा सकता था। बिल्कुल प्लेन लगता तो शायद सीढ़ी चढ़ने में आपको और भी ज़्यादा आसानी हो सकता था। तो इस तरीक़े से आप जो काम है आपको नहीं करवाना चाहिए। और ये फ्लाइट पार्ट है और यहाँ पर लैंडिंग है, आप देख सकते हो। उसके बाद सेकेंड फ्लाइट पार्ट होते हुए आप घर के छत की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों, इस घर के सीढ़ी रूम का जो नीचे वाला हिस्सा है इसे आप चाहो तो स्टोर रूम के जैसा इस्तेमाल कर सकते हो, या तो फिर आप यहाँ पे साइकिल या फिर बाइक पार्किंग भी कर सकते हो। ये इस घर के लिए पहला रूम है और उधर आपको कॉर्नर पे इस घर के लिए दूसरा रूम मिलता है। फिर यहाँ पर आपको कॉमन टॉयलेट और बाथरूम देखने को मिल जाता है। उसके साथ इधर एक और रूम है, कॉर्नर की तरफ भी एक और रूम आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। प्रत्येक चीज़ को मैं बारी बारी से समझाता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझिए। पहले लेफ्ट साइड का जो कंस्ट्रक्शन किया गया है उसको जानते हैं, इस रूम के अंदर चलते हैं। फिर कॉर्नर वाला जो रूम है वहाँ पर भी हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से काम को किया जा रहा है। ये देखिए, लगभग 3 फीट बाई 7 फीट का आसपास का साइज़ का आपको यहाँ पर डोर लगने वाला है। और अंदर चलते हैं तो आप देख सकते हो लगभग 10 फीट बाई 12 फीट के आसपास का साइज़ का ये रूम है। एक विंडो आपको मिल जाता है साइड की तरफ, उसके ऊपर में वेंटिलेटर भी लगाया गया है। हालांकि ये कॉर्नर वाला जो रूम है अगर इसका बात कर लिया जाए तो इसे भी 10 फीट बाई 12.5 फीट के आसपास का साइज में बनाया गया है। डबल विंडो डबल वेंटिलेटर के साथ इसमें कम्प्लीट किया जा रहा है। लगभग 4 फीट बाई 4 फीट का ये दोनों विंडो का साइज़ आप देख पा रहे हो। इसके जस्ट बगल में आप देखिएगा तो हॉल से ही इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथरूम बनाया जा रहा है। दोनों अलग अलग बनाया जा रहा है, यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो। ये टॉयलेट हो गया और एक बाथरूम हो गया, दोनों के बीच में पार्टीशन वाल यहाँ पे रखा गया है। 10 इंची का आप चाहते तो दोनों के बीच में पार्टीशन वाल कर सकते हो ताकि आपको दरवाज़ा या फिर जो आपका ये हमेशा पानी के चलते भीगा हुआ रहता है तो उससे आपको काफ़ी बचने में सहायता मिलता है। और यहाँ पे वेंटिलेटर के लिए देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो लिंटल के नीचे आपको वेंटिलेटर लगभग 1.5 फीट बाई 2 फीट के आसपास का साइज़ का आप इजीली यहाँ पे लगा हुआ देख पा रहे हो। तो इस तरीके से आप चाहो तो अपना वेंटिलेटर को लगा सकते हो, आप यहाँ पे आसानी के साथ देख सकते हो। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और किस तरीक़े से कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया जा रहा है।
तो इसके दाहिने तरफ और आपको दो बेडरूम देखने को मिलता है। ये देखिए तीसरा बेडरूम और वो है वो चौथा बेडरूम। चलिए पहले तीसरा बेडरूम में चलते हैं, फिर चौथा बेडरूम, फिर किचन और डाइनिंग एरिया के बारे में और कॉलम के बारे में बताऊँगा। यहाँ पर भी 3 फीट बाई 7 फीट का डोर लगेगा यहाँ पे। हालांकि इस जो रूम है इसका जो साइज़ है उसे कम कर दिया गया है, लगभग 10 फीट बाई 11 फीट के आसपास का रूम है। 4x4 का विंडो देख पा रहे हो यहाँ पे लगाया जा रहा है। उसके साथ साथ कॉर्नर वाला रूम है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा यहाँ पे नहीं रखा गया। ये देख सकते हो ये दरवाज़ा हो गया शायद सबसे छोटा इस घर के लिए, यही रूम है। आप देख कर भी अंदाज़ा लगा सकते हो। मैं इसीलिए प्रत्येक चीज़ को बारीकी से समझाता हूँ ताकि आप लोग को अच्छा तरीके से समझ में आ जाए। 3.5 फीट बाई 4 फीट के आसपास का दो विंडो, उसके साथ साथ ऊपर में दो वेंटिलेटर का जो यूज़ है वो किया गया है। और ये डाइनिंग एरिया है आप देख सकते हो इस तरीके से। उधर आपका हॉल मिला था और इसके यहाँ से ये सारा हॉल था और यहाँ पर इसके जस्ट बगल में आप देखिए जो खाली जगह ये हॉल है इस तरीका से इंट्रेंस के साथ ही, उसके साथ ये जो जगह है ये डाइनिंग एरिया के रूप में इस्तेमाल होने वाला है। और इसी के जस्ट बगल में देखिएगा तो आपको यहाँ पे किचन का जो निर्माण है वो भी किया हुआ आपको मिलता है कॉर्नर पे। और इस हॉल में आपको ये डाइनिंग एरिया है यहाँ पे एक और साइड की तरफ बड़ा साइज़ का विंडो आपको देखने को मिल जाता है। लगभग 10 फीट बाई 11 फीट के आसपास का साइज़ का यहाँ पर स्क्वायर शेप में जो किचन है उसका निर्माण किया जा रहा है। अभी आपको दिखाऊँगा वहाँ से आप घर में एंटर करते हो उधर आपको मिल जाता है सीढ़ी रूम। ये देख सकते हो यहाँ पहला बेडरूम, उसके साथ साथ थोड़ा एंगल चेंज करता ताकि ठीक से समझ पाए, फिर तो दूसरा बेडरूम, फिर यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम, उसके साथ फिर ये तीसरा बेडरूम, उसके साथ साथ इधर कॉर्नर पे चौथा बेडरूम। ये मैं डाइनिंग एरिया में अभी खड़ा हूँ, आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीका से काम है वो किया जा रहा है। और ये जो है ये डाइनिंग एरिया है देख सकते हो और ये हॉल है। तो इसके साथ साथ ये जो कॉर्नर है यहाँ पर इस घर के लिए जो किचन है उसका निर्माण किया जा रहा है, आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीका से। इस कोन पे, इस कॉर्नर पे किचन का निर्माण किया जा रहा है। घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर किस तरीका से किचन के काम को किया जा रहा है। हालांकि जो स्क्वायर शेप का कॉलम जो किचन रहता है उससे बढ़िया रेक्टेंगुलर शेप का जो किचन होता है उसे माना जाता है। और इस तरीका से बड़ा यहाँ पर स्लैब लगाया जा रहा है, उसके साथ साथ डबल विंडो के साथ इसे कंप्लीट किया जाएगा। ऊपर में दो वेंटिलेटर भी आपको देखने को मिल जाता है। लगभग 32 इंच के आसपास का ऊंचाई में इस घर का जो किचन का स्लैब है उसका कास्टिंग किया गया है। तो इस तरीका से इस घर को बनाया जा रहा है। मैंने आपको दिखाया छत के ढलाई से पहले तक का जो टोटल काम है वो कर लिया गया है, जुड़ाई का काम कम्प्लीट कर लिया गया। इसके बाद में सेंटरिंग का काम करते हुए छत का ढलाई का काम है वो किया जाएगा। कॉलम के बारे में भी जान लीजिए, बहुत सारे लोग मन में कन्फ्यूज़न रहता है। तो ये 9 इंच बाई 12 इंच का साइज़ का कॉलम है, ये देख सकते हो। और इसमें 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। हालांकि इसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा रखना था, लंबाई ज़्यादा रखना था ताकि छत के ढलाई के बाद भी उस तरीक़ा से 3 फीट के आसपास में आपको ऊपर की तरफ जो सरिया है वो निकला रहना चाहिए ताकि ऊपर वाला तला के लिए जब इसके लिए लैपिंग दीजिएगा तो किसी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो 12 mm का 6 सरिया के साथ इस घर का जो कॉलम है 9 इंच पर 12 इंच के साथ में यहाँ पर बनाया जा रहा है। सारा कॉलम का साइज़ वही है, नीचे का फर्श वगैरह का काम अभी बाकी है। दोस्तों आपको ये बनता हुआ घर कैसा लगा? और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप किस साइज़ का जो घर है उसको देखना चाहते हो इसके बारे में अभी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि आप लोगों के हिसाब से आपके लिए मैं आपके अनुसार जो घर का साइज़ होगा उसके लिए वीडियो बना सकूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा कंस्ट्रक्शन कुछ का वीडियो भी बहुत ही जल्द इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।